जी साहब ने जी नाज़रीन लाल आंख वाले भोपाल मुंबई साहब की छत पे मौजूद है और उनके जी दोबारा इसका शौक करवाना इसने बड़ा ज़रूरी समझा गया है इसका कबूतर का शौक करवाना। देखें जी इसका मैं लाइन सब दिखा दूँ की तरफ पर दिखा दूँ उसका ना पहले देखिए जी अब इसकी आई साइड देखें इसका पूरी इसकी आँख देखें इसकी आँख के सारे पॉइंट सारे देखें पलक देखें आँख का नूर देखें इसकी शाइनिंग देखें इसकी जुम्बिश देखें बहुत ज़बरदस्त बहुत ही आला दूसरी आँख देखें काम को डिस्टर्ब किया अगर जिस तरह जो शेड्यूल पे चलते हैं तो विशाल तक के वाले आधे घंटे जी मादर सर बुरा बनवा रही है बस कुछ कर रहे हैं मादर मेरा कोट भी दे तो बाद में भी यही कुछ नहीं कर रहा था वो सब लोगों को देखें कबूतरी का बैलेंस देखें पूरा तू कहे सूखे कर लो वो कहे झूठे कर लो वो कहे सूखे कर लो ये जी इस वक्त उस्ताद काशिफ बिलाल साहब भी हमारे साथ हैं उस्ताद जफर मबन साहब की छत पे और अब इधर से हम काशिफ भाई की छत पे जा रहे हैं जी ये जी उस्ताद जफर मबन साहब ने उड़ने वाला नया सेटअप बनाया है ऊपर नया सेटअप मेहमानों को ले चले लेकिन फर दो मिनट के लिए मेहमानों को लाइव चल रहा है ऊपर ले चले और उन्हें नया सेटअप चले जोड़ों वाले आज काशिफ भाई ये जी उस्ताद जफर मबा साहब का उड़ने वाला सेटअप है ये जी फैसल साहब हैं जो छत पे कबूतर संभालते हैं और उड़ाते हैं सर दूसरी बात ये भी है कि अगर आप कहूँ तो आपको इसको अलाड़ी भी लगाएगा वो भी देंगे मेहमान आ गए जी नए सेटअप की तरफ चलते हैं उस्ताद जफर इकबाल मुंबा के हाय जी नीचे बैन से रखे हैं जफर मबा साहब ये नया सेटअप जफर साहब ने बनाया इस वक्त
हमारे नफर मुम्बा साहब की नए सेटअप पर हम अभी खड़े हैं। वर्ल्ड फेमस शख्सियत उस्ताद राजा इफ्तिकार काका के बहुत ही करीबी साथी नफर मुम्बा साहब की छत पर हमारे साथ है उस्ताद हाजी मोहम्मद यूसुफ और खालिद जोहर वाले भाई आमिर और काशिफ बिलाल वहाब नेचर वाले फर्नीचर वाले जो भी और शराब भाई हमारे शाना बशाना। तो कहने की बात तो यही है कि लोकेशन देखी जाती है छत की, हम तो बाहर से आए तो हम तो शहर और बिल्डिंगों में रहते हैं, यहाँ की ये लोकेशन देखकर हमारा भी दिल कहता है कि कहीं यहीं आके ठहर जाए। और सेहत के हवाले से भी और शौक़ के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि इनको इतना बड़ा बेनिफिट है कि एक तो कबूतर की उड़ान, उनका संभलना, ठीक होना। मैं उस्ताद से बात चलूँगा, उस्ताद जी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये माहौल है कबूतर परवरी के लिए वो कितना मुनासिब है। कबूतरबाजी के लिए बेहतरीन माहौल है, आइडियल माहौल है, ऐसे होना चाहिए कबूतरबाजी के लिए। हम लोगों ने तो शहर में रखे हुए हैं, जैसे लाहौर के अंदर लोगों ने रखे हुए हैं बिल्डिंगों पे बड़ा फ़र्क है, बड़ा चेंज है और माहौल ऐसे होना चाहिए। बड़ा खूबसूरत भी है यहाँ का और बड़ी अच्छा सेटअप है जफर साहब का, माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया शौक देखने के अंदर। अब हम लोग जाएंगे काशिफ भाई की तरफ, काशिफ बिलाल की तरफ शौक करेंगे इंशाल्लाह। खालिद भाई क्या आप सोच रहे हो इतनी देर से? ये देख रहा हूँ कि पंजाब का जिधर भी गए ना, मतलब वहाँ पे इसी तरह के सेटअप और इस तरह के बड़े बड़े शौक, बहुत शौक को अरूज दे दिया पंजाब ने पिछले 20-25 साल के अंदर। पहले चीदा चीदा छतें होती थी जो बड़े सेटअप वाली, अब तो जिधर माशाल्लाह देखो जी बड़े बड़े सेटअप और बहुत अरूज हो गया। कंपटीशन का माहौल है ना? जी हाँ, बहुत कंपटीशन का माहौल है। और ये जो इनका सेटअप देखा, ये भी देख के दिल खुश हो गया जी, मतलब आदमी मतलब 24 घंटे इधर ही बैठा रहे, सुकून ही सुकून है इधर, बेहतरीन शौक होता है। अच्छा जी, जाने की जरूरत ही नहीं है। ये बात आपने सुनी, सुकून ही सुकून। हम काशिफ भाई मुस्कुरा पड़े। हाँ मुस्कुरा पड़े। सुकून ही सुकून का माना ये होता है कि आप जिसके लिए शौक कर रहे हैं दिल को सुकून देने के लिए, तो देखो जी हमारा नशा भी यही है, हमारा जुनून भी यही है और ये वही पावल है जिसको हम पसंद करते हैं। हम हर इंसान पसंद करता है, वसाइल की कमी है उनके पास जो नहीं कर सकते। बहरहाल जो भी है जी, हम आपके लिए शौक करवा रहे हैं, आप शौक देखें। और लाइव आने का मकसद भी यही है कि हम जिस मकसद के लिए आए हैं वो हमारा मकसद कामयाब गया है। वर्ल्ड फेमस शख्सियत यहाँ पर आई हैं शौक देखने के लिए, उनको कबूतरों के व्यूज दिखाएं। माशाल्लाह निकलने, माशाल्लाह बैठे देखे। ये जी उस्ताद मुज़फ़्फ़र इकबाल मगर साहब बोलने वाले शौक करवा रहे हैं आपको। के उड़ने वाले कबूतरों का शौक करवा रहे हैं।